वफाकी वजीर मुराद सईद उजैर बलोच का 164 का बयान कौमी असेंबली में ले आए। कहा उजैर बलोच ने आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर बिल्स पर कब्जे किए। भत्ता आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को जाता था। लोगों को कत्ल करने के लिए पुलिस मोबाइल भी इस्तेमाल की। मुराद सईद की तकरीर पर अपोजिशन अरकान का शोर। शाजिया सोबिया सोमरो ने हेडफोन मुराद सईद की जाने फेंका मगर लगा नहीं। अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। आगाज होता है इसका 164 के बयान का कि 2008 में जब मैं जेल में था, उजैर बलोच कहता है, तो मुझे पीपल्स पार्टी ने कैदी कारकुनों का जिम्मेदार बनाया। साल 2008 में रहमान डकैत के पुलिस मुकाबला में हलाक होने के बाद लियारी गैंगवार की मुकम्मल कमान संभाली और पीपल्स अमर कमेटी के नाम से मुसल्ला दहशतगर्द ग्रोह बनाया और मुझे चेयरमैन बनाया। पुलिस मुकाबले, अगवा पर एतवान, कत्ल गारतगरी, थानों पर हमले, सियासी जलसों और हड़तालों को कामयाब बनाने के लिए मैंने ताकत का मुजाहिरा किया। पीपल्स पार्टी के कहने पे मुसल्ला ग्रुप बनाए जो कि बत्ता उसूल करते थे। बत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को, बत्ता जा रहा है उजैर बलोच को। उजैर बलोच कहता है कि मैंने कत्ल करना था, कत्ल के लिए 3 पुलिस मोबाइल है मैंने जमा की, बंदे अगवा किए, पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सरतन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला, उसकी वीडियो बनाई, लाशों को आग लगाई, सरपरस्ती आपकी। स्पीकर साहब आगे कहते कि मैंने अवैस मुजफ्फर टप्पी को आसिफ जरदारी के लिए 14 शुगर मिलों पर कब्जे में मदद के लिए इस्तेमाल किया।